कौन है वो? बोलो। घटिया सोच तुम्हारी, ये शर्म मुझे नहीं तुम्हें मिली हुई है, तुम्हारी शक और तुम्हारे अनाथ। ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है तुमने जो मुझे पेपर भेजे वो मैं इतनी आसानी से साइन कर दूंगा? नो नेवर। पर तुम निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर रो रही होती। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी
अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूंगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा।
तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो मीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी अस्मा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स अस्मा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर अस्मा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्मा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अस्मा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी अस्मा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी
कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ ना दूँ, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा
तो को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरेशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरेशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरेशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरेशी के सामने आएगी तो अमीन कुरेशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरेशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरेशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरेशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरेशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरेशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरेशी के सामने आएगी तो अमीन कुरेशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरेशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरेशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरेशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरेशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरेशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरेशी के सामने आएगी तो अमीन कुरेशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरेशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरेशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने
मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा
तो को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरत से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर असमा समझ जाती है कि इसको इस वजह से गोली लगी क्योंकि मैंने मना किया था कि अमीन कुरैशी को गोली नहीं लगनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर असमा और मुरीद के रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के दिल में भी मुरीद का और भी जगह बन जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अपने दामाद को कहेगा कि तुमसे तो मुरीद अच्छा निकला। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कहेगा कि तुमसे तो एक नौकर अच्छा निकला और तुम पीछे ही पीछे रह गए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ असमा जब अमीन कुरैशी के सामने आएगी तो अमीन कुरैशी असमा को दाद देगा कि तुम्हारी हस्बैंड ने तो मेरे जान बचाया और मुरीद को मैं आज से नौकर की नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से देखूँगा। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स जब मुस्तफ़ा ने गोली चलाई तो अमीन कुरैशी के सामने मुरीद आया और वो गोली मुरीद की लगी। व्यूअर्स इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुरीद चाहता था कि मैं अपनी बीवी असमा को तकलीफ़ ना दो क्योंकि उसने उसको मना किया था कि मेरे बाप को कुछ भी ना कहो। अगर अमीन कुरैशी को गोली लगती तो फिर व्यूअर्स असमा को तो सारा सब कुछ मालूम हो गया था, तो वो फिर मुरीद से ये शिकवा करती थी तो कि मैंने तुम्हें मना भी किया और तुमने मुस्तफ़ा को मना नहीं किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद को गोली लगती है तो फिर